I respect your religious feelings, but what about Kumbh Mela? Huh? Last time, the same month, when you, जब इन लोगों ने abuse किया था तबलीगी जमात को, कोरोना उनकी वजह से फैल गया, क्योंकि इनको polarization करना होता है. वो कैसे? जब तक नफरतों में, जातियों में, जब तक मुसलमानों को गाली नहीं दोगे, दलित आदिवासी पिछड़ों को गाली नहीं दोगे, तब तक इनकी राजनीति नहीं होगी. That's what they're agenda. And this किसान आंदोलन प्रूव कर रहा है इनको हर बार गलत, और ये यही होगा आने वाले समय में. और आप कह रहे हैं आए, वो लोग तो डे वन से इस आंदोलन के साथ है. इट्स जस्ट दैट हर किसी को ये लगता है कि सही मौके पे सही उसको हिट करना चाहिए. एंड आई थिंक आप बोल रहे हैं आने वाले मौके पे. दिस किसान आंदोलन, मैं बार बार कहती हूँ, ये किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं बचा, सिर्फ ये जन आंदोलन बन चुका है. किसानों ने इनिशिएटिव लिया, किसानों ने उस चीज़ को पकड़ा, बट ये जो अब इसका रूपरेखा जो बन चुकी है इस आंदोलन की, इसमें बच्चा भी है, इसमें बूढ़ा भी है, बुजुर्ग भी है, इसमें दलित आदिवासी पिछड़े मुस्लिम, इसमें हर तबके के लोग हैं. और दिखाने के लिए कि दिस आंदोलन is no more particularly andolan of Punjab, andolan of Haryana, andolan of a particular section of people, but this andolan belongs to everyone, chahe wo kisan mazdoor hai, chahe wo koi bhi hai. Ji ticket sahab bole ki ab to bilkul hi nahi hatenge, corona ho chahe corona ka baap ho. वो ये भी बोलेगी रजिस्ट्री भी, उनके साथ चंद्रशेखर जी का भी बयान सुनिए, उनने कहा रजिस्ट्री भी कराएंगे, प्लॉट भी कराएंगे, और ये एक नया गांव बन चुका है. टिकैत जी ने ये भी कहा, दिस हैज बिकम अ विलेज नाउ, ये गांव. और कहा गांव बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ ये सड़क भी तो है आम जनता की. तो सड़क आम जनता की, तो ये जनता नहीं है जो यहाँ पे बैठी है इतने साल से, इतने महीनों से, ये जनता नहीं है. सड़क चलने फिरने के लिए होती है, गांव बसाने के लिए. बिल्कुल. अब एग्जैक्टली ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, ये चीज लोग नहीं. दिस क्वेश्चन ये सरकार के ऊपर सवाल जाता है. जब सरकार आवारा हो जाती है ना, तो सड़कें ऐसे भरनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है संसद में बैठे जो 303 है वो आवारा हो चुके हैं. वो इतने फेल एंड फ्लॉपड जो हमारे फ्लॉप जो सांसद जो हमारे हैं 303 जो मेजोरिटी में बैठे हैं, क्योंकि आप 303 राज्यों के ये जो सांसद हैं, जाकर देख लीजिए हाल क्या है. पता है ना, वहां पे सब बेकारी कर ली. गुजरात मॉडल को देख लीजिए, नाउ दे आर हिटिंग देयर एजेंडा टुवर्ड्स बंगाल. अब उनको पूरा ये पता कि बंगाल आज कोरोना आपको प्रोटेस्टर्स में नजर आएगा कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोरोना यहाँ पे है. बेमतलब दिल्ली में आप लॉकडाउन लगा देते हो, हर जगह आप लॉकडाउन लगा देते हो 10 से 5, क्योंकि आवाम जो मजदूर लोग हैं, जो भी दोबारा रिवर्स माइग्रेशन हुआ, थोड़ा सा राहत मिली उनको कि हटा है, तो आपने फिर से लॉकडाउन लगा दिया लोगों को तड़पाने के लिए 1 सेकंड. लेकिन आपके पास लॉकडाउन वहां नहीं लगता जहां पे रैलीज है, वहां पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. अमित शाह जी होम मिनिस्टर है यार, मतलब क्या है, खुलेआम आप लाखों की जनता में रैली कर रहे हो. उसके बाद आई रिस्पेक्ट योर रिलीजियस फीलिंग्स, बट व्हाट अबाउट कुंभ मेला? हाँ, लास्ट टाइम द सेम मंथ व्हेन यू, जब इन लोगों ने अब्यूज किया था तबलीगी जमात को, कोरोना उनकी वजह से फैल गया, क्योंकि इनको पोलराइजेशन करना होता है. वो कैसे? जब तक नफरतों में, जातियों में, जब तक मुसलमानों को गाली नहीं दोगे, दलित आदिवासी पिछड़ों को गाली नहीं दोगे, तब तक इनकी राजनीति नहीं होती. दैट्स व्हाट देयर एजेंडा. एंड दिस किसान आंदोलन प्रूव कर रहा है इनको हर बार गलत. और